Assalamu alaikum viewers, this is Zainab Ali from Zainab Cook House. So today I am going to show you how to make catering style murgh musallam, जिसे cater किया था राजधानी caterers ने. Guys, अभी तक आपने subscribe नहीं किया है Zainab Cook House को, तो subscribe करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी शादियों वाली मेकिंग जो सीधे होती है बावर्ची स्टाइल. ओके, तो यहाँ पे आपको चिकन ले लेना है. इसका ग्राम होना चाहिए अराउंड 800 से 900 ग्राम, क्योंकि उसमें इसका ज़्यादा टेस्ट आता है. इसे अच्छे से वॉश करके आप एक्सेस मॉइस्चर जो है वो निकाल लीजिए. अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट, सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, तंदूरी मसाला पाउडर, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप, चाट मसाला पाउडर और दही. इसे अच्छे से मैरिनेट करें, मिक्स करें, और इसे 8 से 10 घंटे चिकन पर लगा के अगर आप छोड़ देते हैं फ्रिज में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है. अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तो आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब मुर्ग मुसल्लम बन रहा है, तो ये इसका टेक्निक है कि आप उसे धागे से अच्छे से बांध लीजिए लेग पीस पूरा प्रॉपरली, ताकि वो तंदूर करते वक्त खुल ना जाए. ठीक है, ये शादियों वाला स्टाइल है, और ये खास करके बनाया गया था लड़के वालों के लिए. ओके, सो चिकन को अच्छे से ब्रेस्ट पे आप कट्स लगा लीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट पार्ट जो होता है वो बहुत थिक होता है, उसमें मसाला जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको एक गहरा कट लगाना है, इतना भी गहरा कट नहीं लगाना है कि उसमें बोन्स पूरा आपको दिखने लग जाए. ठीक है, अब उसके अंदर आपको मसाला डाल देना है अच्छे से. ये स्टेप करके आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, और आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं फॉर अराउंड 45 to 50 days. एक सील पैक बैग में एक एक चिकन करके आप उसे रख दीजिए, और जब भी आपको बारबेक्यू करना है तो आप उसे एक पैकेट निकाल के अच्छे से बारबेक्यू कर सकते हैं, बट जिप लॉक बैग होना चाहिए. अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको बॉईल करना है, जो कि ये शादियों वाला स्टाइल है. शादी में इतना वक्त नहीं होता है कि एक एक चिकन ज़ीरो से स्टार्ट से लेके लाइक पूरा बारबेक्यू करे या फिर रोस्ट करे, तो इसे प्री बॉइल्ड करके रखा जाता है मसालों में. ठीक है, पूरा कुक नहीं करना है आपको, 50 to 60% कुक करना है. बट अगर आप घर पे कर रहे हैं तो ओवन का यूज़ करें, 200 डिग्री पे 45 to 50 minutes तक आपको रखना है. अब इसके लिए एक सॉस बनाया जाएगा. ठीक है, चाइनीज सॉस है ये, तेल, ज़ीरा, करी लीव्स, इसका आपको तड़का दे देना है. ये है लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है. इसे अच्छे से आप भून लीजिए. शिजवान सॉस है, तो शिजवान सॉस कोई भी ब्रांड का आप यूज़ करें, चिंग्स भी बहुत अच्छा ब्रांड है और सर्वर भी बहुत अच्छा ब्रांड है. देन टमाटो सॉस, टमाटो सॉस सभी के घर पे अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ का, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोस. देन कम्स रेड चिली सॉस, तो चिली सॉस डाल के आप इसे अच्छे से पका लीजिए. और जो अभी तंदूरी मसाला जो था मैरिनेशन, वो भी डालना है. यह है गरम मसाला. अब जो सॉस हमने मैरिनेट किया था मुसल्लम को, उसका आपको डालना है इसके अंदर. ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है गाइस, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखें. 700 to 800 ग्राम चिकन में आपको 1 teaspoon हर एक चीज़ यूज़ करना है, 1 teaspoon. अब इसे आप बारबेक्यू कर लीजिए. ठीक है, तो बारबेक्यू कर लेना है पूरा अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे सॉस के साथ. सो गाइस, फिर आपको सर्विंग आ जाएगा, तो सर्विंग आपको बस मुसल्लम रखना है, उसके पास सॉस डालना है. अगर मेकिंग पसंद आई हो तो ज़ैनब कुक हाउस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.